हैं, ब्रह्म टीएस सिंह देव भी दिल्ली में, भूपेश बघेल भी मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी से, और साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। विधायकों को भी लेकर आए हैं भूपेश बघेल दिखाने के लिए कि कितने विधायकों का साथ अभी भी है उन्हें। बिल्कुल मीमांसा, देखिए जो जानकारी मिली है 55 विधायक हैं जो दिल्ली में गुड़गांव में मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली, और कुछ दिल्ली में हैं। अभी कुछ देर पहले जब हम कांग्रेस दफ्तर के अंदर आए थे तो छत्तीसगढ़ सरकार के 3 मंत्री यहां पर मौजूद थे। हमने उनसे बात भी की तो उनका ये कहना था कि इस मामले पर वो कुछ नहीं बोलेंगे, पार्टी हाईकमान और पार्टी के बड़े नेता इस पर निर्णय करेंगे, वही फैसला करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरह के हालात बने हैं, टीएस सिंहदेव को आपने सुनाया वो क्या कह रहे हैं कैमरे पर, लेकिन असल में ये बात ढाई ढाई साल के फॉर्मूले की बात टीएस सिंहदेव पहले ही राहुल गांधी के समक्ष और पार्टी हाईकमान के समक्ष रख चुके हैं। उसके बाद जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी भी इस पक्ष में हैं कि जो ढाई ढाई साल का फॉर्मूला तय किया गया था उस लिहाज से अब भूपेश बघेल को पद छोड़ देना चाहिए, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और इसका अंदाजा आप लगाइए कि बीते कुछ दिनों से ये तीसरा चौथा दौरा है भूपेश बघेल का, दिल्ली दौरा है, लगातार वो यहाँ पर आ रहे हैं। और उनके अगर चेहरे को आप पढ़ें, जब वो आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें तो उनके चेहरे पर परेशानी साफ तौर पर नजर आती है। यानी छत्तीसगढ़ में भी सत्ता के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है दोनों ही बड़े नेताओं के बीच, और अब 4 बजे दोनों नेता फिर राहुल गांधी से मिल रहे हैं। पार्टी हाईकमान जोर आजमाइश तो चल रही है, और जैसा कि टीएस सिंह देव कह रहे थे कि ये तो मीडिया की उछाली बात है, लेकिन ये रोटेशन पॉलिसी की बात उनकी ओर से पहले भी की जा चुकी है, दिल्ली के दौरे वो भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब आलाकमान किस तरह से रास्ता निकालेगा, क्योंकि अगर विधायकों का समर्थन अभी भी भूपेश बघेल के साथ है तो वहां भी जरूर खींचतान होगी, अब कौन किसके साथ है। बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि 70 कांग्रेस के वहाँ पर विधायक हैं और उसमें से अगर 55 दावा कर रहे हैं वो कि ये 55 उनके साथ खड़े हैं, तो जाहिर तौर पर अगर पार्टी आलाकमान भूपेश बघेल के खिलाफ फैसला लेती है तो पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में मुश्किल हो सकती है। अगर वाकई में 55 विधायकों का समर्थन उनके पास है, जिस तरह का दावा भूपेश बघेल के समर्थकों की तरफ से किया जा रहा है, तमाम समर्थक विधायक दिल्ली में हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पूनिया के से भी आज कुछ मिले हैं, उसमें से छत्तीसगढ़ सरकार में कुछ जो मंत्री हैं वो भी दिल्ली में मौजूद हैं, तो भूपेश बघेल की तरफ से एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है पार्टी हाईकमान को कि अधिकतर विधायक उनके साथ खड़े हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से दोनों नेताओं से मिल रही है और जिस तरह से हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो टीएस सिंहदेव ने बात रखी थी राहुल गांधी के समक्ष उससे वो भी सहमत है कि ढाई ढाई साल का फॉर्मूला यदि पहले तय किया गया था 2018 में तो उसको इस वक्त लागू किया जाना चाहिए। यही वजह है कि भूपेश बघेल अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं विधायकों के जरिए। मीमांसा जी।